हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस, राइट? आल्सो रनिंग दिस टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस चैनल, एंड हेयर आर द लिंक्स अवेलेबल टू अप्रोच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइज, जैसा कि आपको याद होगा कि रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स पे डिस्कस कर चुका हूँ। आज मेरा ये लेक्चर नंबर 4 है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन, और सबसे पुराना बहुत ओल्डेस्ट मेथड है ये एल्कोहल प्रिपेयर करने का जनरली एल्कीन्स से, ठीक है? तो इस रिएक्शन को आज हम देखेंगे, लेकिन इस रिएक्शन में जाने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में एक रिएक्शन का आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास ये एक एल्कीन है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन से बात करते हैं, राइट? ये स्ट्रक्चर है, ये एक एल्कीन है, ठीक है भाई? डबली बॉन्डेड कंपाउंड है। आप इसका हाइड्रेशन रिएक्शन करवा सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए आप इसका, और सिंपली नॉट हाइड्रोलिसिस एक्चुअली द एडिशन ऑफ योर से इलेक्ट्रोफाइल, ओके? देन व्हाट यू कैन डू, आप इसमें वाटर ले सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में, और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपका होगा एल्कोहल, ओके? तो एक एल्कोहल तो ये मिल गया OH, और इसी के साथ साथ एक दूसरा एल्कोहल भी आपको मिलता है, और उस एल्कोहल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये रिएक्शन है बेसिकली, आपने एल्कीन से एल्कोहल बनाना है, यही आपका हाइड्रेशन रिएक्शन कहलाता है। लेकिन जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट तो ये मिल गया आपका, जहाँ पे OH जो है आपका सेकेंड पोजिशन पे सब्स्टिट्यूटेड है, राइट, एक मिथाइल के साथ, और एक एल्कोहल आपका ये मिल गया, तो दो एल्कोहल आपको यहाँ पे मिल गए हैं। अब ये जब आप रिएक्शंस में, आपको मालूम है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमेशा ऐसा देखा गया है, जब भी आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं तो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट की यील्ड बहुत कम हो जाती है और वो रिएक्शन बहुत बढ़िया नहीं होते हैं। तो जब भी अगर आप इसको हाइड्रोजन रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे तो अक्सर आपको मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें कार्बोकैटायंस जो बनते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। हालांकि वो मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं हाइड्रेशन रिएक्शन को कभी और डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप सिंपल एसिडिक कंडीशन में आप वाटर से रिएक्शन इसकी करवाएंगे तो एल्कोहल का मिक्सचर आपको मिलेगा। अगर आपको एक सिंगल एक प्रोडक्ट चाहिए, हाई यील्ड में चाहिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का रोकना पड़ेगा। तो इसी के लिए जो मेथड यूज होता है वो आपका ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन का, तो फिर एक सिंपल सा रिएक्शन मैं लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपका ये एक एल्कीन ले लिया, डबली बॉन्डेड कंपाउंड है, 1, 2, 3 प्रोपीन है, ये प्रोपीन 1 है। अगर मैं इसका ऑक्सी मर्क्यूरेशन कराता हूँ, तो अभी फिलहाल मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सी मर्क्यूरेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, मर्करी को ऑक्सीजन के साथ इसमें ऐड किया जाएगा, उसको आप ऑक्सी मर्क्यूरेशन बोलेंगे, ठीक है? तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे मिलेगा, HgOAc, ठीक है, और साथ ही साथ इधर OH मिलेगा, ठीक है? दिस इज द प्रोसेस ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अगर आप इसका डी मर्क्यूरेशन करवा देते हैं, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं डी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन, आप जानते हैं कि मर्करी को रिमूव करना है यहां से, तो सिंपली यहां से आपका मर्करी अलग निकल जाएगा, मेटालिक फॉर्म में निकलेगा, इसको ध्यान देंगे आप, और साथ ही साथ आपका एक एसिटेट आयन अलग निकल जाएगा, ACO नेगेटिव, मैं इसको लिख रहा हूं, ACO नेगेटिव, आप जानते हैं बेसिकली ये आपका CH3COO नेगेटिव है, ठीक है? ये दो चीज अलग आपकी निकल गई, तब आपको एक प्रोडक्ट यहां से मिलता हुआ नजर आता है, और वो प्रोडक्ट है एल्कोहल, ठीक है? तो इस केस में एक सिंगल एल्कोहल आपको मिलता है, क्योंकि यहां पे कार्बोकैटायंस तो बनते नहीं, 2 कार्बोकैटायन, तो किसी तरीके का रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायंस का पॉसिबल यहां पर नहीं है। ये तो सिंपल रिएक्शन है। अच्छा, लेकिन अब अगर इसके मैकेनिज्म को आप डिस्कस करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका मैकेनिज्म बताना चाहूंगी रिएक्शन होता कैसे है, तो इसके लिए पहले रिएजेंट जाने आपकी, रिएजेंट आप क्या यूज कर रहे हैं। तो जो रिएजेंट इसमें इस रिएक्शन में आपका यूज हो रहा है वो हो रहा है मर्क्यूरिक एसिटेट, ओके? तो मर्क्यूरिक एसिड का मतलब, एसिटेट का मतलब आप समझ सकते हैं, आप देखें CH3COO होल ट्वाइस HG, तो मर्करी यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इसको मर्क्यूरिक एसिटेट कहा जा रहा है। ये आपका रिएजेंट इसमें यूज होता है, सारा का सारा काम इसी का ही है। तो ये मर्क्यूरिक एसिटेट काम कैसे करता है, देखिए इसके काम करने का तरीका सिंपल, अब मैं यहां पे HG लिख देता हूं,
और Hg के साथ एसिटेट ग्रुप में यहां लगा देता हूं, ACO लिख देता हूं, ठीक है। तो ACO का मतलब आप समझ जाएंगे कि CH3CO नेगेटिव है, क्लियर है। और एक मान लीजिए एसिटेट में इधर लगा देता हूं, तो ये स्ट्रक्चर है आपके रिएजेंट का। तो जो इस रिएक्शन का पहला स्टेप है, इसमें ये पहले रिवर्सिबली रिएक्ट करके आयनाइज होता है मर्क्यूरी एसिटेट, और एक ये मर्क्यूरिक कैटायन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी कैटायन कैसे प्रोड्यूस करेगा, देखिए यहां पे आपको पता होना चाहिए मर्क्यूरी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एसिटेट माइनस वन है, यहां पर भी एसिटेट माइनस वन है, ठीक। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, अभी ये बॉन्डेड है। अगर ये ऐसे बाहर निकल जाए तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के साथ यहां पर आएगा, ठीक। तो इस केस में जो आपको स्पीशीज मिलेगी वो क्या होगी, एक मर्करी विद वन पॉजिटिव, ठीक है, और साथ ही साथ ओ ए सी प्लस एसिटेट आयन आपका अलग चला जाएगा, ए सी ओ नेगेटिव। तो ये तो आयनाइजेशन हो गया। ये जो कंपाउंड आपको मिला है एच जी पॉजिटिव एस सी ओ, ये आपका मर्क्यूरिक आयन है, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे कि ये आपका एच जी यहाँ पे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। अब यही जो मर्क्यूरिक आयन है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रिएक्शंस में आपका प्ले करता है, ठीक। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ इधर, मर्क्यूरिक कैटायन, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव इसके ऊपर है। अब देखिए सिंपल रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं कि मैकेनिज्म कैसे जा रहा है इसका। तो अब दूसरा कोई एल्कीन लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक ये एल्कीन है, मैं इंटेंशनली इसको ऐसे बना रहा हूं ऐसे, ठीक है। IUPAC नेम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, इट इज 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, ओके। और अब यहाँ पे जो ये मर्क्यूरिक आयन आपका बना है इसकी रिएक्शन देखिए कैसे होती है। ये मर्करी है, ऊपर एक एसिटेट यहाँ पे लगा देते हैं, और एक प्लस चार्ज तो ऑलरेडी इसके ऊपर था, ये पता होगा। अब मर्करी का अगर आप सीरीज देखें ट्रांजिशन मेटल में, तो ये आपका जिंक कैडमियम मर्करी जिंक वाली सीरीज में आता है, इसके डी ऑर्बिटल्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए जिस इलेक्ट्रॉन का यूज करना है वो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ बना रहा हूँ, सिर्फ एक पेयर बना रहा हूँ, तो ये डी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, इसको आप जरूर समझ लेंगे अच्छी तरीके से। अब क्या होता है देखिए, अब ये जो आपका मर्क्यूरिक कैटायन बना है इसके बारे में आप जानें कि ये एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है, वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पे अटैक करती हैं। तो कैसे हो सकता है, देखिए यहां से ये जो आपका एल्कीन थी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मर्करी के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। तो जब इस मर्करी के ऊपर इसने अटैक करना है तो रिवर्सिबली जो कंपाउंड आपका जो बनेगा उसका इंटरमीडिएट स्टेज मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, वो कैसे बनेगा देखिए। ये है, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके मर्करी के पास गया, तो मैं इसको Hg लिख देता हूं, और Hg लिखने के बाद मैं इधर OAC लिख देता हूं, ये वाला OAC इधर दे दिया। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज तो इसका खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉन्डेड हो चुका है अब ये। अब इसके पास क्या बचेगा, ये लोन पेयर बचेंगे। अब क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई थी तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये एक आपका कैटायन बनता है जो कि ट्रू कार्बो कैटायन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मरकरी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था वो इधर शिफ्ट होगा, ओके। और शिफ्ट होने के बाद आप देखें इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्चुअली में 3 मेंबर्ड रिंग होगी। यहां पे मरकरी लिख दीजिए, इसको इधर अटैच कर दीजिए, इसको इधर अटैच कर दीजिए, ओ ए सी ये लगा दिया आपने, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पॉजिटिव मरकरी के ऊपर, क्यों पॉजिटिव मरकरी के ऊपर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहां ही बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर दिए हैं। तो ये रेजोनेंस है, आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो इसको समझना आपका बहुत जरूरी है। और इसको कंपाउंड को आप कहेंगे क्या, इसको आप कहेंगे मर्क्यूरी नियम आयन, मर्क्यूरी नियम आयन, ठीक है। अब ये जो मर्क्यूरी नियम आयन आपका है इसके पास दोनों करेक्टर होते हैं, इसके पास कार्बोकैटायन का भी करेक्टर होता है, और इसके साथ ब्रिज्ड जो 3 मेंबर्ड रिंग बनी है इसके करेक्टर भी होते हैं, और इसको हम ट्रू कार्बोकैटायन नहीं कह सकते हैं। और जब ये ट्रू कार्बोकैटायन नहीं है तो किसी तरीके का रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कार्बोकैटायन का, अगर पॉसिबिलिटी होती भी है सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज में तो वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होगा। अगर बेस्ट पिक्चर आप इसका देखना चाहेंगे तो आपको ऐसे दिख सकता है, देखिए यहाँ पे हम मर्करी लिख देते हैं एच जी ओ ए सी, मैंने मान लीजिए इस तरीके से आपको लिख के बता दिया,
और फिर हम इसको इधर दे देते हैं, इसको इधर अटैच करते हैं और इधर मैं बॉन्डेड ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है बेसिकली। तो मरकरी के ऊपर भी आपका थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव रहता है और इस कार्बन के ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव रहता है। याद रखिए ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये फुल पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए ये कार्बोकेटायन की तरह बिहेव नहीं कर सकता और रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इतना तो आपने समझना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे इस रिएक्शन को, अगर मैं इसी रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उस प्रोडक्ट को आप समझिए। ये स्पेशीज तो आपको मिल गई है जो कि थ्री मेंबर्ड ये वाली है, तो इस रिएक्शन को मैं यहीं से चलाता हूँ आगे, देखिए, या चलिए इसको यहाँ से चलाते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए फुल पॉजिटिव ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको अगर आप करेंगे भी। तो अब बेसिकली इसके ऊपर अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का, आपको पता है, देखिए ये न्यूक्लियस सेंटर बन गए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियस सेंटर है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी। अब वो न्यूक्लियोफाइल आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि एल्कोहल प्रोड्यूस करना है तो वो न्यूक्लियोफाइल में वाटर ले रहा हूँ। सो दिस इज माई H2O मॉलिक्यूल, ओके, एंड यू नो वाटर मॉलिक्यूल विल ऑलवेज हैव टू लोन पेयर्स ऑन द ऑक्सीजन एटम, हमेशा इसके ऊपर रहेंगे। अब देखिए इसमें अटैक करना है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप है, तो ये लो इलेक्ट्रॉन पेयर इसी के ऊपर अटैक करेंगे। मरकरी के ऊपर अटैक कराने का कोई मतलब नहीं क्योंकि एल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो ये अटैक यहाँ पर होगा आपका। तो ये ट्रिक है, ये की है, आपके IIT JEE के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, CSIR नेट गेट में भी आ सकता है। याद रखेंगे कि जब भी ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है वो हमेशा उस कार्बन पे अटैक करती है जहां पे सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूशन हो। जैसे इस कार्बन पे देखिए एक सब्सटीट्यूशन इस मिथाइल का, एक सब्सटीट्यूशन इस मिथाइल का, एक बॉन्ड इधर जा रहा है, एक बॉन्ड इधर जा रहा है, तो सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, तो यहां पर ही आपका दो जो आपकी न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगी। इसीलिए ये मार्कोनी कॉफ एडिशन है। मार्कोनी कॉफ अगर आपको रूल पता हो तो आपको पता है कि नेगेटिव पार्ट अटैकिंग स्पेशीज का वहां जुड़ता है जाके जहां पे हाइड्रोजन पहले से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन बहुत कम होगी इसके, देखिए यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन होगी क्योंकि एक मिथाइल और ये एक हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट हमेशा यहाँ पे जुड़ेगा। तो एक काइंड का, एक तरीके का मार्कोनी कॉफ एडिशन है ये। तो अब इस स्पीशीज को अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये कैसे अटैक, इधर इसने अटैच करके ये बनी है, इसको समझें। इसने इधर अटैक किया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद ये मरकरी के पास चला जाएगा ऐसे। तो जो स्पीशीज आपको रिजल्टेंट मिलेगी वो रिजल्टेंट स्पीशीज क्या होगी, देखिए 1 2 ये इधर है, ठीक है, एक ये मिथाइल है, ठीक, ये बॉन्ड आपका ऐसे मान लीजिए टूट चुका है, ठीक, टूट चुका है इस तरफ को। तो यहां से आप देख सकते हैं ये मेरा ऑक्सीजन जो वाटर के साथ जुड़ा हुआ था, एक पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा और दो हाइड्रोजन ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे आपको मिल जाएगा HGOAC, ठीक है। तो ये टूट के, ये बॉन्डेड है, देखिए ये तो टूट जाएगा, ये बॉन्डेड इधर रहेगा, तो हमने इधर बना दिया, ये मिथाइल इसके साथ था और ये दो मिथाइल ये वाले हैं, ठीक है, बीच में सेंटर में कार्बन है और इसी कार्बन से ये H2O जुड़ा हुआ है। तो ये स्पीशीज आपको बन गई। यहां तक की जो स्टेज है इसको आप अच्छे से समझ लें। अब क्या होगा, देखिए आपकी जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें ऑलरेडी एसीटेट आयन है, ACO नेगेटिव, तो ये ACO नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। कैसे, नेगेटिवली चार्ज स्पेशीज है तो इसको H पॉजिटिव चाहिए अपने लिए, तो ये सिर्फ H पॉजिटिव लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर से इसको मतलब नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर ही दे देगा, ठीक है। जब इसने इसको इधर दे दिया तो जो रिजल्टेंट स्पीशीज बनी वो क्या बनी, देखिए ये तो एसिडिक एसिड अलग हो गया आपका, ACOH, क्योंकि इसने यहां से इसको ले लिया। अब जो स्पीशीज बची है आपकी वो ये है, यहां पे हमने OH दे दिया है, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे था, ठीक है, और इसके साथ ये आपका HGOAC है और ये वाला मिथाइल है, ऑफ कोर्स एक हिडन हाइड्रोजन होगा। तो यहां तक का जो स्टेप है ये आपका ऑक्सी मर्क्यूरेशन स्टेप है। तो यहां पे देखिए आपका OH नेगेटिव पार्ट जो है वो मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे जुड़ गया है, ठीक है, मैकेनिज्म बिल्कुल इसका अलग तरीके से नजर आता है। अगर आपने इसका डी मर्क्यूरेशन करना है तो डी मर्क्यूरेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है
कि आप सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज़ करते हैं NaBH4। आपको पता है कि ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हाइड्रोजन सप्लाई करता है, और कई बार हम इसमें न्यूट्रल कंडीशन भी ले लेते हैं, कई बार हम इसमें एल्कलाइन कंडीशन भी ले लेते हैं। तो मैकेनिज्म इस स्टेप का बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इसमें प्रूफ दिया गया है कि जो मरकरी यहाँ से रिमूव करनी है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है और आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपका क्या हो सकता है, देखिए मरकरी यहाँ से निकल जाएगा, -HG मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसके साथ मेरे को एक एसिटेट आयन भी मिल जाएगा, Ac(O)-। तो ये मरकरी भी निकल गया और ये OAC भी निकल गया। सोडियम बोरोन हाइड्राइड से जो हाइड्रोजन आएगी वो आपकी यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो उस स्टेप को बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो सिंपली आपको ये कंपाउंड मिलेगा OH, और यहाँ पे ये मिथाइल था, एक हाइड्रोजन आपकी जो पहले से छुपी थी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं उन दो स्पेशीज को सर्कल कर दे रहा हूँ जो ऐड हुई हैं। देखिए एक तो ये OH ऐड हुआ है जो कि हमें कहाँ से मिला है, वो हमको वाटर से मिला है, ठीक है, जो हमने वाटर लिया था, ये देखिए यहाँ पे। और एक आपको हाइड्रोजन मिली है ये वाली, और ये हाइड्रोजन सोडियम बोरोहाइड्रेट से मिली है, तो ये कंपाउंड एल्कोहल हो गया। अगर आप देखें इस केस में OH- H+ होता है, तो ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पेशीज ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे आके ऐड हुई है। तो बेसिकली इसमें आपने किया क्या है कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक तरफ आपने हाइड्रोक्सिल जोड़ दिया और एक तरफ आपने हाइड्रोजन जोड़ दी। बस इसकी ट्रिक और इसकी की यही है कि कभी भी आप नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, चाहे वो OH- हो, चाहे CH3O- हो, चाहे C2H5O- हो, या आपकी कोई अमीन्स के नेगेटिवली चार्ज हो, मान लीजिए C2H5NH- हो, तो जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है या न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा और हमेशा मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे जुड़ेंगी और हाइड्रोजन लेस सब्सटीट्यूटेड जो आपका कार्बन है उस पे जाएगी। इसीलिए मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी दूसरे आइसोमर का बनना या किसी दूसरे प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल नहीं है। इवन अगर ये कायरल सबस्ट्रेट से भी स्टार्ट करते तब भी अटैक, क्योंकि जो थ्री मेंबर्ड स्पीशीज बन रही है ये इस हिसाब से बन रही है कि रीअरेंजमेंट है नहीं। तो इन केसेस में हमेशा हमें लगभग लगभग हाई यील्ड का एक कंपाउंड मिलता है और साइड रिएक्शन बहुत कम होती है। तो नेट रिएक्शन इसमें क्या है, हाइड्रोजन का और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड होना है और मार्कोनिकॉफ को ये फॉलो करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये तो इसका मैकेनिज्म है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये प्रॉब्लम्स मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं ताकि टाइम उतना वेस्ट ना हो। अब देखिए बार बार मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है इस केस में, आप सिर्फ रिएजेंट्स पे ध्यान दें कि कौन कौन से रिएजेंट्स दिए गए। देखिए ये आपका एक एल्कीन दे रखी है और ये आपका मरकरी मर्क्यूरिक एसिटेट है, वाटर के साथ दिया हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसका मतलब इसमें ऑक्सी मर्क्यूरेशन भी होना है, बाद में डीमर्क्यूरेशन भी होना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिक मैंने बता दी कि जो सब्सटीट्यूटेड कार्बन है वहां पे OH जाएगा, दूसरे पे हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट इसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए ये आपका लगभग इस तरीके से स्पीशीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, क्यों, क्योंकि ये इधर एक कार्बन से जुड़ा है, जबकि ये वाला कार्बन तो दोनों इधर हाइड्रोजन से ही जुड़ा है। अगर आप देखेंगे मैं इधर भी हाइड्रोजन प्लेस कर दूं, इधर भी हाइड्रोजन प्लेस कर दूं, तो ये तो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है नहीं, लेकिन ये वाला देखिए एक इधर जुड़ा है एक इधर जाए, ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगी यानी कि OH- वो हमेशा इसी पे जुड़ेगा। तो आपकी स्पीशीज क्या बनेगी, OH यहां पर, और यहां पे दो हाइड्रोजन पहले से थी और एक हाइड्रोजन इसमें और आ जाएगी, ठीक है, मान लीजिए ये वाली हाइड्रोजन है, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट से आई है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। और देखिए इसकी यील्ड भी बहुत अच्छी होती है, 94% ये कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलता है वो नजर आता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, अब बहुत आसान है। अब देखिए यही कंडीशंस दे रखी हैं आपको, सेम कंडीशंस हैं और ये वाला कंपाउंड है, तो इसमें भी आप आपने क्या करना है, ज्यादा सब्सटीट्यूट कार्बन ये है, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और इस वाले पे हाइड्रोजन, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये साइक्लिक सिक्स मेंबर रिंग ऐसे ही लगा दीजिए, ये मिथाइल ऊपर चला गया, इसको ऐसे कर दें तो इधर OH हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो सोडियम बोरोहाइड्रेट से आएगी, ऐसे जुड़ी हुई, बाकी की दो तो पहले से ही थी यहाँ पर, देखिए एक हाइड्रोजन ये थी एक हाइड्रोजन ये थी। तो कितना आसान ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन ये है,
दिस वन, ये भी एक सिक्स मेंबर रिंग है। आपकी बार देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है। अब देखिए ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये है, तो OH यहाँ पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे। तो क्या प्रोडक्ट आप इसमें एक्सपेक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट को देखिए। ये आपका सिक्स मेंबर रिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये ऊपर चला गया, ये इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका OH जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपको इस केस में मिलता हुआ नजर आएगा। बाकी एक हाइड्रोजन सोडियम बोरोहाइड्रेट से, और दो यहां पे हाइड्रोजन पहले से ही एल्कीन की थी। देखिए कितना आसान रिएक्शन है ये। बस यही चीजें आपने यहां पे फोकस करनी है। तीनों एक तरीके के एग्जांपल थे, ये वाला एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। न्यूक्लियोफाइल को पहचानना सीखें। देखिए इससे पहले तीनों ही केसेस में यहां पे आप देखें, वाटर एज न्यूक्लियोफाइल, यहां पे भी वाटर एज न्यूक्लियोफाइल, यहां पे भी वाटर एज न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इस थर्ड फोर्थ रिएक्शन में मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, ETOH लिखा है। भाई ETOH आप जानते हैं, ये एथेनॉल है, CH3CH2OH, ठीक है। तो अब की बार जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये वाला पार्ट है। तो हमेशा याद रखेंगे, न्यूक्लियोफाइल में एक हाइड्रोजन आपने हटाना है, बचे हुए पार्ट को ऐड करना है। वाटर में भी तो आपने यही किया था, एक हाइड्रोजन हटाई थी OH ऐड करी थी, एक हाइड्रोजन हटाई थी OH ऐड करी थी। तो इसमें से हाइड्रोजन हटाएंगे, CH2CH3CH2O- ऐड करेंगे। तो कैसे होगा देखिए ये रिएक्शन भी, ये डबल इस तरीके से ले लेते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये वाला है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, OET ऐड कर देंगे, इथॉक्सी ग्रुप यहां पे ऐड हो जाएगा। और इस वाले पार्ट पे हाइड्रोजन है जो कि सोडियम ब्रोहाइड्रेट से आएगा, और दो हाइड्रोजन यहां पर पहले से ही थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो ये प्रॉब्लम नंबर 5 है, इसमें यहां पे फिर मैंने न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दिया है, यहां पे मैंने इथाइल अमीन ले ली है की बार। तो इसमें भी वही करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, जो आपका ETNH यानी कि CH3CH2NH बचा है वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस वहां जोड़ेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, देखिए वो भी आसान है। इसको ऐसे रख देते हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूट पार्ट ये था, इधर N कर दें, इधर ET कर दें, CH3CH2 होता है ET का मतलब, और NH2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक तो आपकी हट जाएगी, तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका। तो कितने आसान रिएक्शन यहाँ पे होते हैं देखिए। लेकिन स्टूडेंट समझते हैं कि पता नहीं इसमें क्या दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इतना जरूर याद रखेंगे, यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग एवरी नाउ एंड देन, एटलीस्ट विद इन एटलीस्ट इन 1 वीक यू हैव टू रिवाइज 2 टाइम्स दीज ऑर्गेनिक रिएक्शन, बिकॉज इट इज वेरी, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू मग ऑल द थिंग्स। तो याद करके रट्टा नहीं मारा जा सकता, सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन ही हो सकती है। अदरवाइज ये वाला पार्ट मैं बार बार कहता हूँ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये बहुत ही ज्यादा बर्डन हो जाता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये साइक्लोहेक्सीन है, यहाँ पे देखिए अब जो मर्करी एसिटेट दिया है, यहाँ पे ट्राई फ्लोरो डेरिवेटिव दे रखा है, और ये ट्राई फ्लोरो डेरिवेटिव एक्चुअली मर्क्यूरिक एसिटेट से भी बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्शन करता है। तो इसको भी कई बार आपके रिएजेंट में, आपके रिएक्शन में दिया जा सकता है, बट ये कोई इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। जबकि यहाँ पे देखें जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो वही आपका एथेनॉल है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन यहीं पे तो जुड़ना है। अब दोनों ही इक्वली सब्स्टिट्यूटेड हैं, तो OET, जो OET पार्ट है, दैट इज CH3CH2O-, चाहे यहां जोड़े चाहे यहां जोड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम है। तो यहां से आप इसको ऐसे लगा दीजिए, और यहां पे मैं OET दे देता हूं, राइट। और एक हाइड्रोजन यहां दे देते हैं जो कि सोडियम बोरोहाइड्रेट से आई है, और एक हाइड्रोजन यहां पे पहले से ही हिडन हाइड्रोजन था, आपको पता है वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन डालना पड़ेगा। तो देखिए कितने आसान रिएक्शंस ये हैं, और जो बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देखिए मेरी तीन प्रॉब्लम और बची हैं, जिसमें से ये पहली वाली तो आसान है, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम 8 और 9 में मैं कुछ स्पेशल आपको बताने वाला हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये एक बेंजीन है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड बाहर है। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि जब भी ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन कराएंगे तो बेंजीन के डबल बॉन्ड इसमें रिएक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट स्टैटिक इन वन पोजीशन, दे आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग इन द सिक्स मेंबर रिंग, तो वो अवेलेबल नहीं है एडिशन के लिए। तो एडिशन कहाँ होगा, ये आपका अक्रॉस द डबल बॉन्ड होगा। अब देखिए ये वाला कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, एक इधर कार्बन से जुड़ा, एक इधर से जुड़ा, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो यहां जुड़ेगा, और यहां पे नेगेटिव पार्ट देखिए क्या दे रखा, H2O है, तो OH यहां पे जुड़ना है और H यहां पे जुड़ना है। तो क्या स्पीशीज बनेगी आपकी प्रोडक्ट में, बेंजीन रिंग को कुछ भी टच नहीं करना है, ओके।
दिस इज योर सी एच, दिस इज योर सी एच थ्री, नो प्रॉब्लम. एंड दिस इज योर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, सो इट विल गेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस विल गेट हाइड्रोजन. सो आई एम राइटिंग सी एच थ्री, दिस इज योर प्रोडक्ट. ओके, देखिए कितना आसान रिएक्शन है. अब यहाँ पे देखिए, ये कुछ स्पेशल एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि आप इसको समझें कि किस तरीके से रिएक्शंस में और ये चीजें हो सकती हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले इफ यू सी दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, तो आप फोकस करें कि रिएजेंट्स क्या दे रखे हैं. ठीक है, यहाँ पे मर्क्यूरिक एसिडेट है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं दे रखी यहाँ पर, ना तो वाटर है, ना एथेनॉल है, ना कोई अमीन्स के डेरिवेटिव है, ना कोई अमोनिया, कुछ भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है. तो इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल आपको बाहर से प्रोवाइड नहीं है. तो आप देखिए कहीं रिएक्टेंट में ही तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है. तो यहां से आप देखिए, ये OH ग्रुप आपके रिएक्टेंट में ही जुड़ा हुआ है, तो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्शन करेगी. तो कैसे ये रिएक्शन हो सकते हैं, समझिए. देखिए, तो ये तो मेरा मर्करी का मर्क्यूरिक जो कैटायन है मेरा, वो हो गया, जो कि मैंने मैकेनिज्म में पहले स्टेप में बनाया हुआ है. ठीक है, ये मेरा डबली बॉन्डेड कंपाउंड, डबली बॉन्डेड एल्कीन है, ये इधर रिएक्शन करेगा ऐसे करके. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से हटा के यहां बना देते हैं, ज्यादा बेटर है. और ये कहाँ करेगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड पार्ट पे अटैक करेगा. तो आप थ्री मेंबर ड्रिंक बन जाएगी ना, देखिए 1 2 और बीच में मरकरी बन गई. तो कैसे बनेगी, देखिए इसको बना लेते हैं. तो एक थ्री मेंबर ड्रिंक पहले प्रोड्यूस कर लें, एच जी ओ ए सी, और ये थ्री मेंबर ड्रिंक है जो किसके बीच में बनी, इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में और मरकरी के बीच में. इसका मतलब यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल का बचा है, तो मैं यहां लगा देता हूं. बाकी का आप ये वाले बॉन्ड 1 से लेके इधर पूरे कर दें. कैसे होगा, एक ऐसे और ऐसे ओ एच, ये लोन पेयर इसके ऊपर आ गया. ठीक है, अब यहां से देखेंगे मरकरी आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो ये स्पीशीज बनेगी. अब इसको सिंपल करने के लिए मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पे अब इसमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है. भाई मैकेनिज्म में आपने देखिए सबसे पहले भी यही देखा, वंस यू गेट दिस थ्री मेंबर रिंग, देन द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन. तो यहां पर भी आपने यही करना है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये वाला है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि क्वेश्चन में आपको न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया है, लेकिन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, तो यही अटैक करेगी यहां पर. तो इसको और सिंपल करने के लिए नंबरिंग कर देते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. और ये IUPAC के हिसाब से नंबर नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन समझाने के लिए है. ऑक्सीजन इज 1, दिस कार्बन इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे करेंगे, कार्बन नंबर 6 पे अटैक करेंगे, तो एक रिंग फॉर्म हो जाएगी. ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बहुत सारे एग्जांपल्स में इस तरीके से. तो कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, और इस 6 मेंबर रिंग में एक क्या है आपकी, ऑक्सीजन है. इसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे. ठीक है, एक ऑक्सीजन भी यहां पे आपको दी हुई है. तो कैसे बनेगा, देखिए सिंपली हम क्या करते हैं, एक 6 मेंबर रिंग प्रिपेयर कर लेते हैं ऐसे करके, बीच में ऑक्सीजन लगा दीजिए ऐसे. ठीक है, और इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कैसे भी कर लीजिए. तो 1 पोजीशन पे आप देखें O के साथ एक आपका हाइड्रोजन था, जो कि बाद में एसीटेट रिमूव कर देगा. चलिए मैं फिलहाल इसको ऐसे लिख देता हूं, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है इसको ऐसे लिखने की. सो दिस विल गेट, दिस ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव, ये ध्यान रखेंगे आप. ठीक है भाई, और अब देखिए नंबर 6 पोजीशन पे अगर आप देखेंगे, तो ये मरकरी वाला ऐड, जब ये इधर ऐड होगा तो यहां से बॉन्ड ये वाला ब्रेक भी होगा. ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके मरकरी के पास चला जाएगा. क्लियर है, तो 6 पोजीशन पे एक तो आपको ये मिथाइल दिख रही है, आप ऐसे लगा दीजिए ये वाली, और ये बॉन्ड आप देखिए एक कार्बन इधर चला गया आपका. ठीक, तो वो कार्बन को मैं ऐसे लगा देता हूं, एक कार्बन ये था और एक कार्बन यहां पर था, तो दूसरा कार्बन ये लगा दिया मैंने, और यहां पे मैंने लगा दिया एच जी ओ ए सी, ये स्पीशीज बन गई. ठीक है, तो यही आपका बेसिकली क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है. तो इस केस में ये प्रोडक्ट बनेगा. और अगर आप आगे इसको और रिएक्शन कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि अच्छा सोडियम बोरोहाइड्राइड भी दिया है, तो मैं अगला स्टेप का रिएक्शन पहले बनाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ए सी ओ नेगेटिव है, तो ये ACO नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा
पॉजिटिवली चार्ज, हाँ, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहीं छोड़ेगा, क्लियर। तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे एक सिक्स मेंबर रिंग, ठीक है, ऑक्सेन टाइप का कंपाउंड, और ये आपका HgOAc, ये स्टेप पूरा। अब देखिए सोडियम बोरोहाइड्रेट भी लिया है, और सोडियम बोरोहाइड्रेट का मतलब आप जानते हैं डीमर्क्यूरेशन यहां पर होना है। तो डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या है कि मरकरी निकल जाएगा और साथ ही साथ एसीटेट आयन भी निकल जाएगा। तो ये चले गए, तो क्या मिला आपको, एक ऑक्सीजन यहां पर ये, और साथ ही साथ ये वाला सब्स्टिट्यूशन, एक इधर एक इधर, दो मिथाइल जुड़े हुए, एक मिथाइल इधर, ये तो निकल के चला गया इधर, एक मिथाइल इधर। तो ये प्रोडक्ट इस केस में बनता हुआ नजर आएगा। देखिए एक स्पेशल एग्जांपल है जहां पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, तो इस पे भी आपने फोकस करना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे होती हैं। अब देखिए एक लास्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जैक्टली ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ ये है, ठीक। तो इसको भी आप समझे कैसे हैं, देखिए अब एक डबल बॉन्ड यहां पर है, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड देखिए, एक मिथाइल इधर सब्स्टिट्यूटेड, एक इधर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है यहां पे, क्लियर। अब क्या होगा कि जो आपका रिएक्शन है वो इस पार्ट पे होगा, ऊपर वाले पार्ट पे नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कैसे, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर जाएंगे कार्बोनिल के पास मूव करेंगे, तो यहां पे तो उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, तो ये एसिटेट मर्क्यू आपका मर्क्यूरिक कैटायन बनेगा, वो यहां अटैक ना करके इधर अटैक करेगा, क्योंकि ये आपके देखिए हाइपर कंजुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ाएंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। ये ट्रिक है, ठीक, और ट्रिक तो नहीं कहेंगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे मैं रिएक्शन करवा रहा हूं फिर से, ये मेरी मरकरी है और मर्क्यूरिक कैटायन है सॉरी, और ये मेरा ओएसी है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके ऊपर अटैक करेगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस सब्स्टिट्यूटेड पार्ट पे जाएंगे, देन अगेन यू विल गेट द थ्री मेंबर्ड रिंग। तो वो थ्री मेंबर्ड रिंग कैसे होगी, देखिए ओके, मैंने कुछ मिस किया, ओके फाइन, यहां पे एक डबल बॉन्ड और रिएक्टेंट में शायद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे बना दिया, अब देखिए क्या स्पीशीज बनेगी, ये डबल बॉन्ड ऐसे था और ये वाला पार्ट ऐसे था, CO2CH3 कर देते हैं, क्लियर है। इन दोनों को मैंने इधर लगा दिया, दोनों मिथाइल को, ये वाला और ये वाला। अब थ्री मेंबर रिंग यहां से बनानी है, तो भाई इधर मरकरी रख दीजिए, इसको इधर जोड़ दीजिए, इसको इधर जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा ओ ए सी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव इज ऑलरेडी ऑलरेडी देयर, क्लियर। अब यहां से रिएक्शन आपने देखिए आगे कैसे चलनी है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड है, ये इधर रिंग को क्लोज करके सिक्स मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और जैसे ही ये सिक्स मेंबर रिंग में आपकी इधर आएगी, क्लियर। तो दो सिक्स मेंबर रिंग बनेंगी, एक यहां पर एक यहां पर, तो कैसे बन रही है देखिए, एक सिक्स मेंबर रिंग मैंने ये बना दी, दो मिथाइल ये जुड़े हुए हैं इसके, ठीक है भाई। जब ये जुड़ेगा ऐसे करके तो एक बॉन्ड टूट के बाहर भी तो आएगा ना, ये वाला मान लीजिए टूट के इधर चल दिया ऐसे, इसके पास ये जुड़ गया, यहां पे आपका मरकरी एच जी जो ये जुड़ा हुआ था इससे, और ओ ए सी ये लग गया, ये सिक्स मेंबर रिंग, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से आई थी। अब देखिए ये वाला पार्ट, इसको इधर बढ़ाते हैं, और ये भी अब आपका सिक्स मेंबर रिंग, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करी, ये मिथाइल ओके, यहां पे आपका CO2CH3 और एक हाइड्रोजन छुपा हुआ था, तो ये वाला पार्ट बना। और जैसे ही ये बनेगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से लूज हुई है, इट विल गेट पॉजिटिव, तो ये आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा। लेकिन इस कार्बोकैटायन को देखें, वैसे तो ये कार्बोकैटायन 1, 2, 3, 3 डिग्री है। अब यहां पे आपकी हाइड्राइड शिफ्ट होगी, क्योंकि जो नया कार्बोकैटायन बनेगा, हालांकि वो सेकेंडरी होगा, ठीक है, सेकेंडरी नहीं होगा तो टर्शरी, साथ ही साथ वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा। तो इस वाले स्टेप को मैं लिख रहा हूं हाइड्राइड शिफ्ट, एच नेगेटिव शिफ्ट, ओके। अब जैसे ही एच नेगेटिव शिफ्ट होगी, तो वो एच नेगेटिव शिफ्ट कैसे होनी है, देखिए ये वाला जो
हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस पॉजिटिव सेंटर पे आ जाएगा, तो जो स्पीशीज बनेगी वो ऐसी होगी, एक ये सिक्स मेंबर रिंग जो पहले से है। ओके, दिस इज योर मर्करी, दिस इज ओ ए सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दो मिथाइल यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एंड देन योर सिक्स मेंबर रिंग, और इस सिक्स मेंबर रिंग में यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन जो ऊपर से आया है, और ये वाला अब CO2CH3 विद पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन बन गया आपका। ठीक है, अब इस कार्बोकेटाइन के बाद यहां से आप देखेंगे एसीटेट अपना पार्ट प्ले करेगा, और ये एसीटेट इस हाइड्रोजन को एस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ग्रैब करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो आपको आपका प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा, सिक्स मेंबर रिंग, ओके, इधर मरकरी और एसीटेट विथ टू मिथाइल हेयर, और साथ ही साथ ये सिक्स मेंबर रिंग, ओके, ये CO2CH3, ये डबल बॉन्ड और ये मिथाइल, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। तो हर बार आपने ये नहीं करना है कि ऑक्सी जहां पे आपने डबल बॉन्ड देखा और मर्क्यूरिक एसीटेट देखा तो आप जुड़ गए बिल्कुल आंख बंद करके, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, नहीं, आप देख लीजिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया है या नहीं दिया है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, तो यहाँ पे ना तो कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल तो कोई दी नहीं है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी नहीं दिया है, तो डी मर्क्यूरेशन तो होना नहीं है, तो मर्क्यूरी यहीं जुड़ा रहेगा। न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो इसका मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होनी चाहिए, और वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है जो कि काम कर रही है, तो ये प्रोडक्ट भी बनता है। तो इस तरीके से कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हर बार एक ही चीज रट के आप ये चीजें सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप कि आपको ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन मैकेनिज्म, इसके सारे एग्जांपल्स, ओके, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स ये समझ में आए होंगे, और ये आपके जेई के एग्जाम के लिए, चाहे मेंस हो, स्पेशली एडवांस की लास्ट की दो प्रॉब्लम तो जी एडवांस्ड की है, ये मेंस में तो नॉर्मली इससे पहले वाली प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, और CSIR नेट और गेट में भी इंटरमीडिएट स्टेजेस में जहां पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस पूछा जाता है वहां पे ये रिएक्शंस होती हैं, बट की यही है कि आपने बार बार रिवाइज करना है। तो ये मेरा फोर्थ लेक्चर था रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में, नेक्स्ट क्लास में मैं और रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स की कुछ स्पेशल पार्ट्स को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच।